जादुई स्वर्ण रथ की राजकुमारी दिव्या। अरे ओ दिव्या, कहाँ चली गई? ये लड़की किसी काम की नहीं है। आई माँ, धुले हुए कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ। अभी तेरी खबर लेती हूँ, जल्दी जल्दी हाथ चला, घर का सारा काम पड़ा है। माँ, मैं सब कर दूंगी, आप आराम से बैठिए। देवी जी, घर का सारा काम वही करती है, फिर भी आप उसके पीछे पड़ी रहती हो। हाँ, आप तो बस उसकी ही तरफदारी करोगे। उसे ध्यान से देखो, राजकुमारी जैसी दिखती है। राजकुमारी? कोई उसे दासी भी ना बनाए। बेचारी दिव्या अपनी सौतेली माँ की डांट खाते हुए घर का सारा काम करती रहती थी, और उसकी सौतेली छोटी बहन कंचन मजे से आराम करती थी। दिव्या बेटा, काम बहुत हो चुका, अब आराम भी कर लो। हाँ ठीक है बाबूजी, थोड़ा सा काम रह गया है, इसे पूरा कर लेती हूँ, इसके बाद आपका खाना लगा देती हूँ। मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं बाजार जाकर आता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे ही दिन दिव्या की सौतेली माँ बीमार हो गई। माँ ये लो दवा खा लो, ये लो पानी पी लो, आपको आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है, मेरा सिर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है माँ, ये लो अभी दबा देती हूँ। दोपहर के समय दिव्या अपने घर के पास जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक बाज पक्षी छोटे से तोते पर हमला कर रहा था। दिव्या उस तोते को बचाने के लिए दौड़ पड़ी और बाज को उसने भगा दिया। हे प्यारे तोते, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, ये लो पानी पी लो, तुम्हें भूख भी लगी होगी, ये लो मीठे आम खा लो। अरे बाज ने तुम्हें जख्मी भी कर दिया है। दिव्या ने कुछ जड़ी बूटियां लेकर तोते के जख्म पर लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद देवी, भगवान आपको जीवन की सारी खुशियां दे। दिव्या वहां से चल पड़ी। बेटी यहाँ आओ। बोलिए माँ जी, क्या बात है? मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा घर यहीं पास में है, क्या तुम मेरा लकड़ी का ये गट्ठर वहाँ तक पहुँचा दोगी? अवश्य माँ जी। दिव्या ने लकड़ी का गट्ठर बूढ़ी माँ के घर तक पहुँचा दिया। रास्ते में उसे जमीन पर गिरी हुई एक गाय मिली, जिसके चारों पैर बंधे हुए थे। दिव्या ने दौड़कर चारों पैर की रस्सी खोलकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया और हरा चारा भी खिलाया। बेटी तुम बहुत नेक, दयालु, संस्कारी और परोपकारी हो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। एक चमत्कार हुआ, एक सुंदर वन देवी प्रकट हो गई। हे देवी माँ, मेरा आपको सादर प्रणाम है। बेटी कल्याण हो, सदैव खुशहाल रहो, तुम मेरी परीक्षा में पूर्णतः सफल रही, तुम नेक हो, दयालु हो, परोपकारी हो, मैं तुम्हें एक राज रानी होने का वरदान देती हूँ, ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक प्यारा उपहार, एक स्वर्ण रथ। धन दौलत सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ ये चमत्कारी और जादुई स्वर्ण रथ सदैव तुम्हारे पास रहेगा। ये जादुई स्वर्ण रथ धन संपदा से कभी खाली नहीं होगा, तुम्हें कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। इतना कहकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गईं। दिव्या के वस्त्र राजकुमारियों जैसे हो गए थे, वो स्वर्ण मुकुट और सुंदर गहनों से सज गई थी। दिव्या स्वर्ण रथ पर सवार होकर वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उसके राज्य के राजकुमार ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया। हे राजकुमारी, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम दिव्या है, मैं आपके राज्य में ही सुंदरपुर गाँव में रहती हूँ। आपका दिव्य रूप अद्वितीय है, मैं आपके माता पिता से मिलना चाहता हूँ। दिव्या का यह सुंदर रूप देखकर उसकी सौतेली माँ और छोटी बहन कंचन अचंभित रह गईं। वे दोनों जली भुनी जा रही थी। दूसरी तरफ उसके बाबूजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ ही देर के बाद राजभवन से कुछ कर्मचारी लाल कपड़े से सजी थाल में शगुन का उपहार लेकर आ गए। इसके बाद राजकुमार और दिव्या का विवाह शानदार ढंग से संपन्न हुआ और उनके जीवन की बगिया में खुशियों की बहार आ गई। सीख, हमें भी आवश्यकता और संकट के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।